हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना मंसूरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जर्दे की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और स्वीट डिश होती है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और जिस कलर का आपको जर्दा बनाना है, या आप येलो कलर का भी बना सकते हैं, या केसरी कलर का, या ऑरेंज कलर का। तो मैंने यहाँ पर जर्दे का कलर लिया है एक चम्मच, और उसमें मैंने आधा कप पानी ऐड करके ये वाटर में ऐड कर देंगे। तो सभी वाटर हमारा कलरफुल हो जाएगा। जब इसमें बॉयल आ जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। तो फ्रेंड्स, जो इसके राइस होते हैं वो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम राइस को आधा घंटा पहले भिगो करके रख दिया था। और 500 ग्राम राइस हमारा, 2 कप राइस था हमारा, तो हमने इसमें 6 कप पानी रखा है। अब हम इसको पानी में, बॉयल आ गया है, पानी में डाल देंगे। और सभी राइस हम पानी में डालने के बाद इसको अच्छे से कुक होने देंगे, यानी कि पकने देंगे। तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर बाद इसमें बॉयल आ गया है और ये अच्छे से पकने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको राइस को 99% पकाना है, सिर्फ 1% इनको ऐसा छोड़। तो हम राइस को निकाल करके चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, राइस हम चेक कर रहे हैं, ये इस तरह से हमारा अच्छे से मैश हो रहा है, यानी कि पक चुका है 99%। अब हम इसको ड्रेन कर देंगे, सभी वाटर को हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने राइस का सभी वाटर निकाल दिया है। अब हम राइस को रख देते हैं अलग। और अब हम लेंगे एक पैन। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसको हमने हाई फ्लेम पर रख दिया है। इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। आप चाहे तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ले लिए 4 छोटी इलायची और 2 ले लिए हमने लौंग, यानी कि क्लोव्स। तो फ्रेंड, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने इलायची भी और लौंग भी ऑयल में डाल दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर आपको जितने राइस लिया है उतनी ही लेनी है। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड 500 ग्राम राइस लिया है, इसके लिए ही हमने इसमें 500 ग्राम शुगर लिए। तो पहले हमने इसमें शुगर डाल दी है। अब हम ऊपर से चावल की तेल लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप चावल को ज़्यादा चलाएं नहीं तो ये टूट सकता है। अभी हम आराम से इसके ऊपर, शुगर के ऊपर राइस को लगा देंगे। तो सभी राइस हमने शुगर के ऊपर डाल दिया है। देखिए, बाकी का जो बचा हुआ है वो भी डाल दिया। अब हम यहाँ पर डालेंगे इसके ऊपर से खोया, यानी कि मावा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल भी सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी डालें। तो हमने यहाँ पर ऊपर से मावा लगा दिया है और थोड़ा सा हमने बचा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चेरी। तो फ्रेंड, चेरी भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें कोई और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको ढक करके हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम ओपन करेंगे ढक्कन और इसको थोड़ा सा चला करके देखेंगे। तो शक्कर ने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम आपको बताएंगे, आप हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा चलाते हुए पकाएं, और पकाने के बाद ओपन करके अब आप चेक करेंगे। पानी की मात्रा इसमें बहुत कम हो चुकी है, तो अब इसको थोड़ा सा फिर से चला देंगे आप हल्के हाथ से। ऐसे ना चलाएं ताकि चावल ना टूटे। तो अब हमने इसको थोड़ा सा चला करके देख लिया है, इसमें पानी थोड़ा कम रह गया है। अब आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, मावा है, वो सब आप इसको ऊपर से डाल देंगे। तो जो मावा हमने इसमें पहले डाला था, वो अच्छे से पहले ही इसमें मैश हो चुका है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब जो बाकी का मावा बचा हुआ है, वह हम ऊपर से डाल दिया है। ड्राई फ्रूट में मैं सिर्फ इसमें कोकोनट डाल रही हूँ। आप चाहे तो काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चेरी। बस इसको हम 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक कर दम दे 5 मिनट दम देने के बाद हमारा जर्दा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।